कुत्ता समझकर घर ले आए थे परिवार वाले। डॉक्टर ने देखते ही बुला ली पुलिस। चाइना के उन्नान प्रांत में रहने वाली सुयुन और उनके परिवार को एक कुत्ते पालने की चाहत थी और एक दिन सुयुन का परिवार बाजार से एक छोटे कुत्ते के बच्चे को घर ले आया। लेकिन बाजार में उन्हें कुत्ते के ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखी थी और जो कुत्ते थे उनमें कोई ख़ास बात नहीं थी। इसके बाद बाजार में सुयुन को एक प्यारा नन्ना पिल्ला दिखा। उसको देखते ही तुरंत उनका दिल आ गया। पूरे परिवार को नन्ना पिल्ला पसंद आया और उसे खरीद कर घर ले आए। सुयुन की फैमिली ने पिल्ला खरीदने से पहले उसकी नस्ल के बारे में दुकानदार से पूछा। तब दुकानदार ने बताया कि पिल्ला मास्टिफ प्रजाति का है। यह सुनने के बाद फैमिली को लगा कि इस कुत्ते में कुछ खास बात है। फैमिली को कुत्ते में काफ़ी कुछ खास बातें दिखीं। आइए जानते हैं क्या थी वो खास बातें। पिल्ले को सुयुन की फैमिली जब घर ले आई तो देखा कि कुत्ते को बहुत भूख लगती थी। वो रोज़ करीब 2 बाल्टी पास्ता और 1 पेटी फल खा जाता था। फैमिली को ये बात तो पता थी कि कुत्ते को भूख तो लगती होगी, लेकिन उन्होंने इतना खाने वाला कुत्ता कभी नहीं देखा था। इसके बाद सुयुन परिवार ने देखा कुत्ता बहुत अजीब तरीके से चिल्लाता है। उन्होंने कुत्तों से इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। फैमिली ने बताया कि उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कभी ऐसा नहीं लगा जैसे वो भौंक रहा हो, बल्कि कुत्ते की आवाज़ से लगता था जैसे वो चीख रहा हो। कुत्ते की ऐसी अजीब हरकत देखकर परिवार वाले भी थोड़े डर गए थे, लेकिन सुयुन और उनकी फैमिली जानती थी कुत्ता स्पेशल है, इसलिए उन्होंने उसको खूब प्यार किया और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं की। एक दिन परिवार वालों ने देखा कि कुत्ता अपने आप खड़ा हो गया है, क्योंकि किसी ने भी उसे खड़ा होना नहीं सिखाया था। इसलिए इसे देखकर सब आश्चर्य करने लगे। इसे देखकर परिवार वालों ने सोचा कि यह तो इसने खुद सीख लिया होगा या फिर उसके नस्ल की यह खूबी होगी। परिवार ने उस कुत्ते का नाम प्यारा छोटू ब्लैकी रखा था। वो जमकर खाता था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो गया। 2 साल की उम्र में ही कुत्ता 1 मीटर का हो गया था और वजन 110 किलो हो गया। पिल्ले की ऊंचाई और वजन बढ़ता देख सुयुन का परिवार हैरत में पड़ गया। उनके दिमाग में यह सवाल आने लगा कि कोई कुत्ता इतनी तेज़ी से कैसे बड़ा हो सकता है। ना सिर्फ वजन और ऊंचाई, बल्कि उसके दांत भी लगातार बड़े हो रहे थे। कुछ दिनों बाद वो कुत्ता नहीं बल्कि शिकारी जानवर की तरह दिखने लगा। इन सभी चीज़ों से परिवार को काफ़ी चिंता होने लगी। उनके दिमाग में यह आने लगा कि एक कुत्ता पालने की कीमत कहीं जान गंवाकर तो नहीं चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुयुन जानवरों के डॉक्टर के यहाँ पहुँची। डॉक्टर देखते ही समझ गया ये कुत्ता नहीं बल्कि कोई और जानवर है। डॉक्टर ने बिना देरी किए यालियांग कंट्री पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को बुलाया। इसके बाद ब्यूरो को फैमिली ने बताया कि ये 2 बाल्टी पास्ता और 1 फलों की पेटी बड़े आराम से खा लेता है। साथ ही परिवार ने उस जानवर के दांत भी दिखाए और बताया कि यह ज़्यादातर 2 पैरों पर ही खड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो कुत्ता नहीं बल्कि खतरनाक काला एशियाई भालू था। यालियांग कंट्री पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी आए और इस भालू को अपने साथ ले गए। ब्यूरो वालों के अनुसार इस जानवर के कई नाम हैं। इसे लोग कोलर बियर मून, तिब्बती भालू भी बुलाते हैं। ब्यूरो ने इसे लुप्त हो चुके जानवर की श्रेणी में रखा है। इस भालू के अधिक शिकार होने की वजह से इसकी संख्या अब काफ़ी कम हो चुकी है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।